जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरण कमल में प्रणाम। मैं आपके कथा 4 साल से सुन रही हूँ और आपके कथा सुन के मैं मीट मछली खाना छोड़ दिए और बच्चे सबको भी छोड़ा दिए और मैं चौबे से एकादशी भी करना शुरू कर दिए। वाह, आप जैसे जैसे देखिए कथा ने कितना बदल दिया। दुनिया का कोई हॉस्पिटल इतना बदलाव नहीं ला सकता कि मांस छोड़ा दे, शराब छोड़ा दे और वो एकादशी स्टार्ट हो जाए। सब 24 एकादशी भी, और मैं कितना लोगों को भी बोल दिया, सब जगह हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो आपके कथा के बारे में बोल देती हूँ कि देखो मेरा बीपी का दवाई भी छूट गए कथा सुनने से। वाह, तो सब आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे भी बता देना महाराज जी का नाम, ठीक है। और ये बात, एक सवाल है गुरु जी, दो सवाल है मेरा। एक तो है ये कि मैं तो इस महादेव के मंत्र लिया हूँ और ठाकुर जी को पूजा पाठ करती हूँ, यहाँ से लड्डू गोपाल ले गई हूँ, अप्रैल में आई थी आपके पास। तो जैसे मेरे श्रेष्ठ बोलते हैं ना कि एक हुआ तो कौन सा हुआ? जैसे मैं गुरु जाप तो महादेव की है मेरा मंत्र। कोई बात नहीं, भगवान शंकर भगवान नारायण एक ही हैं। अच्छा। राम कहो कृष्ण कहो महादेव कहो ओम नमः अच्छा। शिवाय कहो, सबका मतलब एक ही है। अच्छा, तो सब एक ही में हुआ। अच्छा, सब एक ही। और ये हमारा जी जो मेरे बच्चे सबको जैसे जनऊ होते हैं ना गांव में, हम सीता मैया के नगरी से हूँ, बिहार से, मिथिला से, तो वहाँ पर ना ये गड़बड़ है कि बकरा खूब बलि पड़ते हैं, वहाँ बकरा की बलि चढ़ाते हैं। हाँ, बिहार में। जैसे मेरे लड़का को जनऊ हुआ ना, आप ब्राह्मण हैं? हम पंडित जी हूँ। तो आप ब्राह्मण होके मांस वांस खाते थे? हाँ, सब खाते थे। वहाँ जो नहीं खाते है तो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा, नहीं खाएंगे। अरे राम राम राम, हम नहीं खा रही हूँ। तुलसी माला ले लिए ना आपके बात सुन के। हाँ। तो कहते हैं ससुराल में कि तुलसी माला पहन लिए हैं, गलत बात है, कुछ होगा, हमारे यहाँ ये सब नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब वो बकरा खाएं, वो मांस खाएं, वो सही है? इनके परिवार में अगर कुछ अब होंगे ना तो हमारे नाम लग जाएगा। हमारे बिहार मधुबनी जिला में जो है ना, सारे पंडित जी खाते हैं मछली। अरे राम राम, तो इतना अज्ञान आज भी फैला, उन लोगों को कथा नहीं सुनवाते आप लोग? सब सुनते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं है, तुम तुलसी माला पहनो, कुछ हो जाएंगे घर में, तुम्हारे नाम लगेंगे कि तुम ये सब कर लिए हैं, इसीलिए तुम्हारे सब हो, ये हो गए बच्चे को। देखिए भारत में आज भी कितना अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि साधु संत ब्राह्मण लोग कथा सुना के अंधविश्वास फैलाते हैं। अरे फैलाते नहीं है, फैले हुए को समाप्त करते हैं, मिटाते हैं। अब इससे बड़ा और एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे? कि ये लोग पहले मांस खाते थे, अब नहीं खाते, लेकिन इनके परिवार में आज भी खाते हैं और उससे वो सही मान रहे हैं। बकरे की बलि चढ़ाने को वो सही ठहरा रहे हैं। अगर कुछ हो जाएंगे परिवार में तो इनके चाहे मेरे बच्चे को किसी को तो कहेंगे ये कुछ नहीं। आपका तो भगवान सदा मंगल ही करेंगे, आनंद ही करेंगे, इसीलिए। और उन लोगों को भी सद्बुद्धि आएगी, भगवान अगर देंगे। थोड़ा सा कुछ होते हैं तो कहते तुम लड्डू गोपाल ले आया, तुलसी माला हमारे चंदन लगाती हो, ये सब नहीं चलते हैं। बकरा बकरी हमारे माता कालिका माता है ना, तो कोई माता जी बकरा बकरी नहीं मारती, मांगती, जबरदस्ती लोग मनमाना कर रहे हैं। हमारे बच्चे सबको इतना संस्कार, लड़की भी तुलसी माला पहन ली, 22-23 साल की लड़की है, शादी नहीं हुई है, बच्चे सब छोड़ दिए। वाह, ये नहीं छोड़, मतलब अच्छा इनसे बात करा दो, ये भी उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, बात करो। तो आप मांस खाते हैं? खाते थे मगर अब ऐसे हमारे घर में नहीं बन रहा है, तो कभी कभार मतलब दूसरे के घर से उठा के ले आते हैं आप? नहीं, हम ये भी नहीं लेते हैं। हाँ, अब जैसे कहीं मतलब गए रिश्तेदारों में बन गया तो मैंने खा लिया, तो खा लिया, तो मैं नहीं खाता हूँ। तो आप ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण ही इस गलत रास्ते पर जाएगा तो सही चलेगा कौन? ये तो सही बात है। फिर इसलिए ये सब गलत, तो आपके पूर्वज पुरखे सब गलत कर रहे हैं, वो सब गलत ही कर रहे हैं, तुरंत वो गलत परंपराओं को बंद करनी चाहिए। हमारे उधर जनऊ में भी बकरा चढ़ते हैं लोग, हमारे मधुबनी जिला, हमारे यहाँ वृंदावन में भी हजारों बच्चों का हर साल जनेऊ होता है, लेकिन यहाँ बलि नहीं किसी प्रकार की, यहाँ तो भगवान के चरणों को स्पर्श करा के जनेऊ धारण किया जाता है विधि विधान से, वेद मंत्रों के द्वारा। और एक बच्चे होते हैं तो 3 गो बकरे को डालते हैं एक बच्चे के लिए, एक बच्चे में 3 बकरा मार डालते हैं। एक ब्रह्म स्थान बना दिए गाँव में पीपल के पेड़ के अंदर, उसको भी एक दे आते हैं वहाँ। अरे राम राम, फिर उसको पका के खाते हैं? सब खाते परिवार पूरा, जो हम सब नहीं खाती हूँ। मैं तो खूब मुश्किल में पड़ा दिया, कुछ होंगे तो करे यही अब इसी के कारण हो गया। अब मूर्खों को कोई समझाए तो आप ही समझा सकते हैं। हाँ, ये पूरी मूर्खता पूर्ण बातें हैं। हाँ ठीक है महाराज, एक में गाना, एक आप तो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी रास्ते पर चलिए। मैं अपना ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, अपना बच्चे सेवा करो, अपना बच्चे को संभाल के रखती हूँ। हाँ। और अपना परिवार, एक गाना गाना थोड़ा थोड़ा। हाँ, सुना दो। मेरो वृंदावन ससुराल संभाल रहना, तेरी नगरी, तेरी नगरी रहना।
मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी नगरी मोए तेरी धन वैभव राना तुझको मुबारक मेरे लिए ये सब हानिकारक मुझे डस लिया तेरे घर द्वार संभाल राना तेरी नगरी कृष्ण 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 बड़ा मीठो लागे दुनिया का सुख राना फीको लागे मैं तो जाऊंगी मुझे भाती ना सुख संसार संभाल राना तेरी नगरी मेरो वृंदावन ससुराल बढ़िया खुश रहिए।